टीवी एक्ट्रेस तनुषा शर्मा सुसाइड मामले में पहली बार एक्ट्रेस के एक्स बॉयफ्रेंड शुजान खान के परिवार ने चुप्पी तोड़ी है। शुजान के वकील समेत उनकी मां और बहनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिवंगत अभिनेत्री तनुषा की मां वनिता शर्मा द्वारा लगाए गए आरोपों पर पलटवार किया है और कहा कि उन्होंने सोमवार को यहां कभी भी उन्हें इस्लाम अपनाने के लिए मजबूर नहीं किया है। जुशान खान की बहन फलक शफाज और उनके वकीलों ने 30 दिसंबर को किए गए वनिता शर्मा के दावों को खारिज कर दिया कि वे उनके धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर कर रहे थे और उसने अपने इच्छाओं के खिलाफ हिजाब पहनना शुरू कर दिया था। खान ने बताया कि तनुषा के हिजाब पहने हुए वायरल फोटो वास्तव में उनके शो अलीबाबा दास्तान ए कबूला की शूटिंग में थी, जिसे वर्तमान में बसई में शूट किया जा रहा है, जहाँ तनुषा दिसंबर में मृत पाई गई थी। चौबीस तारीख को जो तनुषा ने किया बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है वो, लेकिन 23 तारीख को तनुषा ने पार्थ जुच्छी के रूम में, जहां पे शिजान भी बैठा हुआ था अपने सीन का रिहर्सल या कुछ कर रहा था, तनुषा रूम में आई, पार्थ से कहा कि पार्थ भैया मुझे आपको कुछ दिखाना है, गुस्सा नहीं करिएगा। पार्थ ने कहा नहीं बेटा मैं गुस्सा क्यों करूंगा, क्या दिखाना है बता। तो उन्होंने अपना मोबाइल निकाला, फांसी का फंदा बनाया हुआ था वो चित्र दिखाया गया है 23 तारीख को, उस पे पार्थ उन पे भड़के, उनको समझाने का कोशिश किया। तुरंत शिजान ने जब ये ओवरहर्ड किया, पूरा कॉन्वर्सेशन सुना, शिजान इंटरवीन किया, शिजान ने पिक्चर देखा, तनुषा से बात की, बेटा क्या बात है क्यों ऐसा सब कर रही है। बोला नहीं नहीं कुछ बात नहीं है, ऐसा कुछ है भी नहीं, मैं सिर्फ एक फ़ोटो दिखा रही हूँ, बाकी मेरा ऐसा कोई इंटेंशन या मेरा ऐसा कोई करने का इंटेंशन नहीं है।